अपन एक बार देख लेते हैं। तो ये सेट ऑफ जनरल एंट्रीज है किसके लिए, जब भी हम शेयर इशू कर रहे हैं उसके लिए, बराबर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाओगे। किस पे पैसा मंगवाओगे, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे पैसा मंगाने की एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आएगा, जो भी आपने अमाउंट मंगवाया होगा, 2 रुपये पर सेंट मंगवाया तो 2 रुपये इंटू जितने सेंट पे मंगवाया वो पैसा आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा वो डाल देंगे। तो ये पैसा जो आया ना, अभी हम लोग रखेंगे हमारे पास साइड में, अभी इसको हम अपना नहीं बना लेंगे, क्योंकि ये पैसा अभी तक हमारा हुआ नहीं, वो सिर्फ पैसा टेम्पररी आया है। जब तक फाइनलाइज नहीं होगा कि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो गया, तब तक इस पैसे को मैं टच कर सकता हूँ क्या, इसको नहीं टच कर सकता। इसलिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसको कहेंगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, जो भी पैसा आएगा हम क्रेडिट कर देंगे। अब जैसे ही पैसा आ गया हम लोग हिसाब लगाएंगे कि कितना शेयर की एप्लीकेशन आ गई, और हमको अगर मालूम पड़ गया कि भाई पैसा ओके है, जो पैसा आना चाहिए था 90% वो आ गया, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टेम्पररी अकाउंट है इसको क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री ये हुई, सेकेंड एंट्री इसकी इमीडिएट बात क्या होगी, जैसे हमको मालूम पड़ गया कि हमारा ओके हो गया सब कुछ काम, तो इस टेम्पररी अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो अमाउंट यहाँ थी वही अमाउंट डेबिट कर देंगे। अब ये पैसा दो चीज़ों के लिए हो सकता है, मैंने बताया तुम लोग को कि हम जो शेयर इशू कर सकते हैं वो एक तो पार पे कर सकते हैं और एक प्रीमियम पे कर सकते हैं। पार पे करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पार पे इशू किया, तो ये जो पैसा है पूरा का पूरा पैसा किस नाम का है, शेयर कैपिटल का पैसा है। किसका है, शेयर कैपिटल का। तो क्या करेंगे, उस पैसे को हम यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो शेयर इशू किया है उस पर किया है प्रीमियम पे, और आपने जो एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया था उसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। कैसा था, प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। तो जब ये टेम्पररी अकाउंट क्लोज करोगे तब इसके दो पार्ट होंगे, एक जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला कौन सा अमाउंट जाता है, ऑलवेज कौन सा अमाउंट जाता है, फेस वैल्यू। और एक और नया अकाउंट ओपन करेंगे, मैं बता रहा हूँ कौन सा अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सही, जो एक्स्ट्रा पैसा वो आ गया, ये अगर होगा तभी एक्स्ट्रा आए तो तुमको सवाल में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवाया है तभी लेना है, अदरवाइज लेना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ गिवन, अगर दिया हुआ है तो। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसे ही तुम्हारा ये काम हो गया तुम आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने तुमको बताया कि जैसे ही दूसरी बार पैसा मंगवाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अलॉटमेंट, बराबर। तो अलॉटमेंट तो लिख रहा हूँ सेकंड नंबर, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन कॉलिंग अप फॉर अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट पे जब पैसा मंगाएंगे, अब हमको मालूम है कि कितने शेयर्स पे पैसा मंगवाना है और कौन सा पैसा मंगवाना है, तो क्या करेंगे, पहले पैसा मंगवाने की एंट्री पास करेंगे। तो पैसा मंगवाने की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हम टेम्पररी अकाउंट ओपन करेंगे, पैसा लेना है ना, तो हम टेम्पररी अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा होगा वो पैसा मंगवाने के लिए एंट्री पास करेंगे। अब ये पैसा जो मंगवा रहे हैं किस चीज के लिए मंगवा रहे हैं, शेयर कैपिटल के लिए मंगवा रहे हैं। अगर प्रीमियम ना दिया हो तो टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट है। और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी, ये जो अमाउंट होगा इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ ही साथ क्या होगा, ये था ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये कौन सा रहेगा, फेस वैल्यू, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। अगर ये दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तो ही लेना, अदरवाइज ये तो पैसा मंगवाने के लिए, इसके लिए भी पैसा मंगवाने की। अब पैसा मंगवाने के बाद जब पैसा आएगा तब देखेंगे, तो पैसा आएगा किस तरीके से आएगा, फोर्थ एंट्री, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा आए, जो भी पैसा आए। फिर एक लाइन छोड़कर टू ये टेम्पररी अकाउंट जो है ना उसको हमको क्लोज कर देना है, क्या कर देना है,
क्लोज, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट सिर्फ किसके लिए बनाया गया, जब तक पैसा आ जाए तब तक के लिए। तो इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी को पूरा पूरा क्लोज कर देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डन। अब कभी कभार ऐसा होगा, जनरली जितना पैसा मंगवाएंगे उतना पैसा आ जाएगा, सामने सामने टैली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको कम पैसा आया, मतलब कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, तो जो पैसा नहीं दिया होगा मैंने बताया कहाँ ट्रांसफर होगा, वो कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट करूंगा, यहाँ पे होगा 100 रुपए, यहाँ पे होगा 100, मतलब तुमने होगा कितना 120, आया कितना 100, 20 रुपए क्या है कॉल्स इन अरियर्स, तो कहाँ डेबिट करेंगे वो तुमको, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कभी कभी ऐसा होगा कि ज्यादा पैसा भी आ जाएगा, कैसे कि कोई इंसान ऐसा है जिसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, बोले अगले बार का पैसा भी अभी ले लो, अगली बार का पैसा भी अभी तुम ले लो, उसको क्या बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, ऑब्वियस वो क्या होगा क्रेडिट, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो भी अमाउंट होगा वो बराबर। ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। अब इसके बाद जितनी भी बार तुम पैसा मांगोगे हर बार सिमिलर टाइप की एंट्रीज क्या होगी, कॉपी होगी, रिपीट होगी। तब ये एंट्री हो गई, ये हो गया लगे, उसके बाद की सारी एंट्री सेम है, तो मैं तुमको एक बताता हूँ कॉल वाली एंट्री, उसके अलावा तुम्हारे पास जितने कॉल हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फर्स्ट की जैसी एंट्री होगी वैसी सेकंड की होगी, वैसी थर्ड की होगी वैसी फोर्थ की होगी। तो बता रहा हूं ऑन, ये हो चला अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने की एंट्री भी, ऑन कॉलिंग अप द फर्स्ट और सेकंड और फाइनल कॉल, कोई भी तरीके का कॉल मंगवाओ सबकी एंट्री सेम होगी। पहले आएगी कौन सी, पैसा मंगवाने की एंट्री, पैसा मंगवाने की एंट्री क्या होगी जैसे ये थी वैसी, सिर्फ अलॉटमेंट का नाम हट के क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। तो पांचवी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर, यहां पे मैं फर्स्ट ले रहा हूं, फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट। टू, ये पैसा किस बात का है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो क्या दे देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर है तो, इफ एनी, अगर गिवन है तो। उसके बाद जब पैसा आएगा तब वही एंट्री, ये वाली एंट्री पास करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़कर टू यानी टेम्पररी अकाउंट क्लोज करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी अकाउंट, और पैसा कब आया तो कहाँ डेबिट होगा, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बराबर। ये तुम्हारे सेट ऑफ एंट्रीज होगी। अगर इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल में सेम एंट्री, थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल में सेम एंट्री। जनरली तुमको चार स्टेप में दिया जाएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल खत्म बराबर। इसके बाद ये तो होगी तुम्हारी, देखो जनरली क्या होगी तुम्हारी 8 एंट्रीज होंगी, बट जो मेन फुल फ्लेज जो सवाल आता है उसके अंदर क्या होता है, 8 एंट्रीज होंगी, फिर देखेंगे कि एक बंदा ऐसा है जो पैसा चुकाने में नाकामयाब हुआ, जो पैसा नहीं दे पाया, तो उसके शेयर्स क्या करोगे तुम, फोरफिट करोगे, तो फोरफिट की एक एंट्री आएगी। फोरफिट किए हुए शेयर्स के रिलेटेड तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम क्या कर सकते हो उन शेयर्स को कैंसिल कर दो, मतलब वो शेयर्स को फाड़ के फेंक दो, या फिर तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है कि उन शेयर्स को तुम वापिस रीइश्यू कर सकते हो, किसी और बंदे को पकड़ो उसको शेयर दे दो। तो मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है, पर कंपनी एक्ट में दो ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। कब कब, पहला केस आप अपने एम्प्लॉइज को प्रमोट करने के लिए या एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। कई बार क्या होता है कंपनी स्कीम निकालती है कि अगर कोई 5 साल तक हमारी कंपनी में कंटिन्यूसली काम करेगा तो उसको हम शेयर्स देंगे डिस्काउंट पे, किस पे देंगे डिस्काउंट पे, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन इशो, वहां पे आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो। और दूसरा केस, आपने जो शेयर फोरफिट किए हैं, क्योंकि फोरफिट करने में हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि उसने 2 रुपए दिए और बाकी के 8 रुपए चुकाने में नाकाम रहा,
और आपने उसको सब कुछ होने के बाद बोला कि भाई एक काम कर, तू पैसा नहीं दे पा रहा है, तेरे शेयर हम क्या कर रहे हैं फॉरफिट। फॉरफिट में होता क्या है, फॉरफिट होने से क्या नाम होगा कि भाई जिस बंदे ने शेयर अप्लाई किया था उसको हम लोगों ने रजिस्टर में नाम लिखा होगा, उसका रजिस्टर में सबसे पहले उसका नाम काट देंगे, मतलब वो मेंबर नहीं रहेगा, वो अब शेयर होल्डर नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसने जो 2 रुपए दिया था अभी तक वो किसका हो जाएगा, हमारा हो गया, बिना किसी चीज के फायदा हो गया ना 2 रुपए का, शेयर तो मेरा हो गया वापिस से, शेयर तो मैंने इशू किया ही नहीं। देखो जब तक वो मेंबर रहता तब तक वो कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी पैसा वापिस मांग सकता था, पर जैसे ही तुम उसका नाम काट दोगे लिस्ट में से, अब वो 2 रुपए में उसका हक है क्या, उसका क्या, किसी का भी हक नहीं है, मतलब कंपनी को क्या हो गया 2 रुपए का फायदा। तो कंपनी जब फॉरफिट किए हुए शेयर जब रीइश्यू करती है तब उसके पास 2 रुपए का डिस्काउंट देने का पावर रहेगा, जितना जब्त करेंगे उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 2 केस, ईसोप वाला केस और जो शेयर फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स को डिस्काउंट पे आप इशू कर सकते हो। कितना डिस्काउंट दे सकते हो, उतना डिस्काउंट जितना आपने शेयर्स पे फॉरफिट किया हुआ है उतना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रुपए किया था, तो आप अगली बार जब शेयर इशू करोगे फॉरफिट किया हुआ, आप 10 की जगह कितने में कर सकते हो, 8 रुपए में, 7 में नहीं कर सकते हो, कितने में कर सकते हो, 2 रुपए डिस्काउंट पे कर सकते हो। अगर आपने 4 रुपए जब्त किया था तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 4 रुपए, बराबर। तो ये फॉरफिट करके री इशू करने की जो एंट्री होती है ना, वो 3 एंट्रीज होती है, जब अपना बड़ा समय आएगा तो अपन देखेंगे। अभी हमको सिर्फ ये 8 एंट्रीज पे फोकस करना है, किस पे, 8 एंट्रीज, क्लियर है, बराबर। ये सेट ऑफ एंट्रीज